नहीं, मेरा रिएक्शन बड़ा साफ सुथरा है। दोषी वो लोग ने जिहड़े इस गन कल्चर नूं बढ़ावा देंदे ने, वो नाबालिग दोषी नहीं हो सकता ना, लेकिन वो नाबालिग दे मन मानस दे उत्ते जिन्हां लोकां ने अपने बयानां दे माध्यम दे नाल, अपनियां टिप्पणियां दे माध्यम दे नाल ओदे दिमाग नूं हिपनोटाइज टाइप कीता होएगा, असली दोषी वो लोग ने, उन्हां लोगों तक जाना चाहिए। जिहड़े वड्डे लोग ने जिहड़े पंजाब दे अमन नूं, पंजाब दी शांति नूं लांबू लाना चाहते ने, उन्हां ते रोक लगनी चाहिए है। ये गन कल्चर अपने आप रुक जाएगा, लेकिन वड्डियां वड्डे लोगों तक जाना नहीं। और एक नाबालिग बच्चा जे किसी दे गलबात तो प्रभावित होया उहदे तक पुजना, ये कोई कामयाबी थोड़ी है। ये तो केवल खिंज मिटाने वाली गल है कि असीं क्या है तो इस करके कुछ करके दसीए। प्रधान जी, बठिंडा दे विच दर्जन तो वध हथियार गायब होए ने और एसएसपी कहिंदे सिग्नल खा रहे थे। देखो, जद दी ये सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी बार बार एक ही गल कह रही है कि पंजाब च कानून दा राज नहीं है, अराजक तत्वों दा राज है। और जेकर इन्हां दे अपने हथियार सुरक्षित नहीं है और उहदे अंदर इन्हां दे अपने मुलाजम भी शामिल है, तो इहदे तों ही पता चलता है कि पंजाब जिहड़ा है वह रब दे आसरे इन्होंने छड़ता है। और कानून व्यवस्था बनाने च ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। इस करके अज पंजाब दे अंदर डर दा वातावरण है, भय दा वातावरण है। और वह ताकत जिहड़ियां पंजाब दे भाईचारे नूं कमजोर करना चाहती हैं, वह ताकत जिहड़ियां पंजाब दे भाईचारे दे नाल नाल अमन ते शांति नूं लांबू लाना चाहती हैं, ऐसिया ताकत जिहड़ियां वह दंदन आ रही हैं। और ये सरकार मस्त है। आए तो वे संपत्ति वाले जिहड़े आ लीडरां ते कार्रवाई हो रही है, पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी ते भी हुण विजिलेंस ने फिर तो देखो जिन्हां जिन्हां गाजरां खाधियां हैं ढिड पीड़ उन्होंने पैनी चाहिए। अज भारतीय जनता पार्टी की जिहड़े नगर निगम के चुनाव ने और इहदे नाल नाल कुछ नगर पालिका के चुनाव ने, उन्हां नाल संबंधित पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन बैठक है। राजा वड़िंग भी लगातार घूम रहे ने, वो कहंदे कि साडी जिहड़ी जित पक्की हैगी है, वो कहंदे सानू कोई हुण भी साडे हर देखो हर एक राजनीतिक दल नूं घूमन दा अपनी गल कहन दा अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है, फैसला लोग ही करते हैं।